ससुर जी हैं और ये जेठानी सर, आपने बुलाया था तो आपने शिकायत की थी ना यहाँ के 498 मुकदमा लिखा रखा आपने। आइयो कौन है? मुझे रहने दिया जाता कि सब छुपाने के लिए मेरे बच्चों को छत मिल सके। तो कहाँ रह रही हो? है किसका घर? मालिक कौन है उसका? किराए पर रह रहे हैं। हाँ, ये लोग कौन है? इसके सास है, ये हस्बैंड है। हाँ। सास को जो है अपने मायके से ले जाते हैं। हैं? मतलब ये सास को आपको मिला? इनके सास को, इनको इनके इनके पिता से मिला है। कोई पैतृक संपत्ति नहीं है और इस लड़के को भी बेदखल इन्होंने कर दिया है। अच्छा सर, बेदखल खत्म हो चुका है और लड़के से कोई सरोकार नहीं है। ये मुकदमा कहाँ खत्म हो गया? मुकदमा ये तो बेदखली का होगा ना। ये 35 साल बाद आए सर, मेरी बात सुनिए। बैठ जाओ, बैठ के बताइए। बेदखली सर, ये तो पेपर में आउट है। जब हमको परेशान किया था तब हमने क्या कर दिया था, इससे कुछ हुआ नहीं। केस फाइल हुआ, केस खत्म हो गया। रहस्य ये है कि 159/104/159 मीरगंज मेरा मकान मेरे पिता से मिला। उस मेरा भाई मैं साहब कुमार, मेरी बहन कुशी वर्मा वहाँ है राजरूप में, और हमारी बहन का नाम चढ़ा था वो एक्सपायर कर गई। तो उसमें हमारे भाई के बीच में हिस्सा बांट हुआ, तो हमारे भाई को ऊपर के हिस्सा मिल गया, नीचे का हिस्सा मुझे मिल गया। बहन वाला हिस्सा किसको मिला? बहन को अभी किसी को हिस्सा नहीं मिला। बहन ने कहा हम नहीं लेंगे, आधा हमारा है। जी हाँ, तो दोनों भाइयों के बीच में हुआ बस। हाँ, आधा आधा। जी सर, और उसके बाद में सर मैं उसके पहले ही कोई तांत्रिक के पास जाता था कीटगंज में, जहाँ के जरिए हमारी शादी हुई है। तो उसके यहाँ जाते थे, केवल कि दुकान नहीं चल रही थी, हमको तबीयत होती है और जीव घबराता रहता है और जलन होती है, वह भी अभी 10-20% है। तो मैं दवा करते करते परेशान हो गया। उसके बाद में नैनी में बड़े महाराज छोटे महाराज का आश्रम है ब्रह्म बाबा का, वहाँ गए, वहाँ मैं ठीक हुआ। अब ठीक होने के कुछ दिन बाद 2-3-4 कौन से महाराज जी ने सही कर दिया आपको? बड़े ब्रह्म महाराज छोटे महाराज, वहाँ बड़े ब्रह्मा। जी हाँ, ये एप्लीकेशन में सब लिखे हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। बड़े ब्रह्म दोनों अभी हैं? बड़े ब्रह्म छोटे ब्रह्म जिनके ऊपर सवारी होके करती है वो एक्सपायर कर गए, अब उनके लड़का देखते हैं। नहीं, छोटे वाले ब्रह्मा भी एक्सपायर हो गए? नहीं, दोनों एक ही व्यक्ति के शरीर पर रहते हैं। अच्छा, बड़े ब्रह्मा छोटे ब्रह्मा एक ही आदमी का नाम है? एक ही आदमी। हाँ, एक ही आदमी शंभू पाणे के ऊपर सवारी लेते रहे, वो जिंदा नहीं? नहीं, एक्सपायर कर गए। तो आप किसी और के ऊपर नहीं लेते सवारी? नहीं, अब उनके लड़के के देखते हैं, वो लड़के देख। तो सर मैं अपने घर में था और उसके बाद में जब अचानक तांत्रिक किया मैं गया, मैं दुकान के लिए गया था कि हमारी आमदनी नहीं हो रही, हमको तकलीफ है। तो उसने पता नहीं कैसे हमको उल्टा ऐसा कर दिया कि हम तुम्हारे पास बड़ी शक्ति है, उल्टा कर दिया तो हमको जी घबराने लगा। मैं डॉक्टर के यहाँ होम्योपैथिक दवा सब किया, कुछ असर नहीं किया। वहाँ गए तो 15 दिन में आराम हो गया। उसके बाद में उन्होंने कहा ये प्रोसीजर बहुत लंबी है, तुम पैसा लेके आओ। हमारे पास क्रिया का पैसा नहीं था, क्रिया करने में 10,000, 20,000, 50,000 हमारे पास कहाँ से मैं लिया हूँ। जब हमारी दुकान बंद है, जब मैं परेशान हूँ, मेरा भाई मुकदमा करके बेईमानी करने पर लग गया, तो मैं वो देखूँ कि इसको देखो, शरीर देखो, और जीव घबराए कि हम अभी जाएंगे, अभी प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि वास्तविकता यही हो रही थी। और वहाँ यही देख तो ठीक ठाक लग रहे हो? जी हाँ सर, 80% ठीक। कैसे, किसने ठीक किया ये? जी वहीं पर, वहीं बड़े महाराज छोटे महाराज। जी हाँ, वहाँ ये वो उनके दामाद हैं वहाँ पर। तो उसके बाद में हुआ ये कि जब हमारी शादी इनसे हो गई, शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में, ज़्यादा लंबी कहानी ना। हाँ सर, तो इन्होंने तो वो तांत्रिक ने क्या, ये बहू की शादी वहाँ से हुई है? जी किसने बताई? तांत्रिक ने किसकी शादी कराई? शादी हमने नहीं कराई, शादी इन्होंने ही कराई अपने मन से, हमको पता भी नहीं। नहीं सर, सर मेन ये शादी कैसे हुई थी ये बताना चाह रहे सर। सर एक सर, एक सेकंड सर, आप क्या लगती है, आप क्या लगती है कैसे भाग गए ये? छोड़
लड़की को भगा दिया। एक मिनट आप रुक जाओ, इनकी भी सुन लो। 35 साल के बाद ये आज दिखे हैं। आज दिखे हैं? आज दिखे हैं। मैं ये सब छोटे छोटे बच्चों को जवान किया। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन ने हमको महान किया, सब कुछ दिया। अब ये सब पूछा जाएगा, आपको भी मौका मिलेगा बोलने। हमने छोटे छोटे बच्चों को पाला, हमारी चार तीन बहन थी। हमारे पापा ने कहा भैया हम तुम्हारा बोझ कैसे उठाएंगे, तीन तो चार तो बच्चे हैं। तो हमारे फादर ने हमारी शादी किया, हम सेकंड शादी करा, वो गुजर गए। अच्छा, मैंने इन सबको कैसे पाला? ये बेटा किनका? सेकंड बेटा है। नहीं, ये बेटा सेकंड पति से या इनका है? नहीं, सब बच्चे इन्हीं से, बच्चे इन्हीं के। ये मैदान छोड़ के भाग गए, इनकी बहन टीचर थी। मैदान छोड़ के भाग मैदान क्या लड़ाई वड़ाई होती थी क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मैदान छोड़ के भाग गए? इनकी माँ थी वो पाती थी पेंसिल, इनकी बहन टीचर थी। तो ये दूध का, बिस्कुट का, कोई भी चीज का पैसा कहते थे उनसे मांगो। अच्छा, तो ये चले गए अपन। तो हम बच्चे कहीं इधर देखिए साहब, ये सिलौटी, सिलौटी से मारा इसने। आज तक इन्होंने कंप्लेन किया, हमारी सास की झूठा है, मैं तो चला गया। अभी शांत रहिए। सास ने क्या किया कि हमसे कहा कि दुकान हम उसको देंगे जिसके पास बच्चे हैं। तो हमारी सास हमको दुकान देगी, हमारे पास कब्जा है। अच्छा, किससे? आपकी सास ने आपको दे दिया मकान? दुकान हमारे पास है, ये तो चले गए। अच्छा, उन्होंने कहा जिसके पास बच्चे हैं उसको देंगे। ठीक है, हो गया। आप बताइए। जी सर, रुक जाओ, अभी ना कह दे तो। जी सर, अब हमको बोलने। हाँ बोलिए। जी सर, हमारी माँ ने इनके हाथ कुछ नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। वसीयत लिखी हुई है, वसीयत में इनके नाम से साफ लिखा है कि मेरी जो बड़ी बहू है वो गलत है, अब वो कब्जा लेने के लिए, इसलिए हम इनके नाम कैंसिल करते हैं। इस तरह से दूसरा वसीयत हुआ। वसीयत दूसरी किसके नाम हुई है? जी सर, दूसरी वसीयत किसके नाम हो गई? वसीयत पहली, पहली किसके नाम थी? पहली मेरे नाम, मेरे भाई के नाम, दूसरी को कैंसिल कर दिया इनके पीछे, फिर तीसरी किया हमारे नाम, हमारे भाई के नाम। अब वो वसीयत जो है, ये तो कब्जा तो इनको दे दिया ना उन्होंने? नहीं, कब्जा नहीं, सब झूठा है। कब्जा तो इनको मार दिया। कब्जा सुनिए सुनिए सर, हमको सर बोलने दीजिए, क्षमा चाहे सर, हमारी पूरी बात पहले सुन लीजिए। तो सर ऐसा है कि इन्होंने शादी भी किया, तलाक भी दे दिया, हमको पता भी नहीं, एक पार्टी एक किया। और ये खसरा आप देख लीजिए, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे नरहते पर जाली हिबानामा बनवाया। हिबानामा मुसलमान में चलता, हिंदू में नहीं चलता। और कहा कि इन्होंने चारों लड़के को हमारे नाम लिख दिया, हमने लिखा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बैठ जाओ, बैठ के बताओ ना। हाँ से सर, इसका दिखाई पड़ता है। तो सर ऐसा है कि इन्होंने क्या किया, जब ये जाली हिबानामा बनवाया और जाली हिबानामा करके नगर महापालिका में केस फाइल कर दिया, तो जब हमारे भाई ने हमको इन्फॉर्म किया तो इनको हम पहुँचे, तो उसके बाद में हमने उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया। जब ऑब्जेक्शन लगाया तो एक एफिडेविट लगा दिया, तो वहाँ पर केस चला। और केस चलने के बाद में और इसका प्रमाण मैं ये पक्की नकल ये रखे हुए हूँ। ये देखिए, ये नीचे आप देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए, ये पीछे नीचे चढ़ा हुआ। अब उसको हमने एफिडेविट दे करके जब कैंसिल करवाया तो तुरंत कैंसिल हो गया, हमारे नाम पूर्वक चला गया। और इसकी ऑर्डर कॉपी है, ये देखिए, ये नोटिस है नगर महापालिका, ये ऑर्डर कॉपी है, इनके नाम का कैंसिल हो गया, ये फिर हमारा नाम चढ़ गया। ठीक है, अभी इसकी फोटो स्टेट हम चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, फोटो बस देखा दिया आपने काफी। जी सर, तो आगे चलो। हम जीवित हैं, मेरा भाई जीवित है, हमको घर से निकाल दिया कैसे, देखिए थाना पुलिस में सन 2006 में मई में प्रभारी और हमारे नरहते पर चारों लड़कों के दिखाया, भूखन मर रहे हैं तो बाहर पान की दुकान खोले थे। उसके पहले मैं जनरल मर्चेंट का होलसेल की दुकान, जब मैं ठीक हो गया 2001 में खोल लिया। अब चारों बच्चों को बैठाते 100-100 रुपए देते थे इन लोगों को खाने के पीने के लिए, सब चीज़ के लिए। मगर यह करें, वहाँ से चले, दुकान न बैठे, केवल सा बैठे, अब चला जाए मीरगंज में, देखें। और ये हमको मारे और पीटे और कहें कि ऐसा है कि अगर तुम नहीं जाओ। मारे पीटे ये लड़के तीनों, तीनों दोनों दोनों, तो हमको मारे पीटे, तो हम बम से मार देंगे। वही बम रखा हुआ था, तो इस बच्चा का हमारा जो है बम उठा लिया, बच्चा तो था, तो ये उसका
इंजर्ड हो गया, और उसके बाद में थाना कोतवाली में हमको बुला करके कहा गया कि कहाँ भूखन मर रहे हैं, हम कहाँ भी दुकान हम खोले थे, इनको बैठा रहे थे सन 2001 से सन 2006 तक दुकान खोले थे, इन्होंने कहा हम नहीं दुकान करेंगे, हाँ इतना जमा सामान तुम रखे हो, एक एक ग्राहक का 40, 50, 100, 200 का पर्चा बनता है, हम जोड़ गाट नहीं कर सकते सोना चांदी के ऊपर, तो हमने सोना चांदी खरीद करके देने लगे कि चलो इससे ही मिल जाए, बच्चे रहे बैठे, तो ये हमारा ये अपंग है वही केवल साथ दे और ये न साथ दे। मेरा पैर टूट गया, मैं फ्रैक्चर हो गया, मेरे पेशाब को उठा उठा के समझ के लड़के फेंकते थे, अब 50,000 उन्होंने लगाया, एक पैसा इन्होंने न दिया न आया न देखे, हाँ कि कौन है, बल्कि मारने के लिए शादी हुआ तो वो एक्सपायर कर गया, गुंडा एक गुडबीर थाना कोतवाली में ले गया, वही सब ने कराया, और उसके बाद में जब हमारा नाम है तो तुम कैसे उसमें कब्जा किए हो, सिर्फ पुलिस और गुंडा के वजह से, और ये आपके पास सब पेपर है इसके कहिए, हाँ वो रखें, इससे कहें तो हम आपको फोटो स्टेट दे दें कि मेरे नाम है, मेरा घर है, जब लड़के हमारी सेवा जो करेगा मैं उसी को करूँगा, हमारे मरने के बाद तुम लोग ले सकती हो, जीवित में तो हमको मार के निकाल करके हम महाराज के यहाँ बैठ करके रोटी खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम अपने घर में ना रहे, हमको तुमने क्यों निकाल दिया, मतलब कि अगर तुम हम खाना पीना भी नहीं दोगे हमको भी निकाल भी दोगे, हम तब से निकले हुए, और ये उल्टा है, कहती है कि मैदान छोड़ के भाग गए थे, और इनसे मुकदमा चला, ये कोतवाली में फोन करना, इसका आईओ कौन है क्या संतरे का, तो क्या हुआ इसका परिणाम, चार्जशीट लग के चली गई, किन किन धाराओं में, नकली, तो इसने क्या लड़के ने दूसरी शादी कर ली, ये कहते कि आपने जब चार्जशीट लगाई है तो आपने तो कंफर्म किया होगा ना, शादी नहीं की है, मैं आज तक को 2009 को बुला रहा हूं, सर सेक्शन 9 का भी किया था, सेक्शन 9 ये तो ये तो जाना ही तो चाह रही है, ले जाओ इनको सर, ये तो मुकदमा भी इसी बात से किया था, ये जानते हैं सर मायके क्यों रही, मायके में ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को, नहीं तो ये तो वहां जाना चाह रही है इनके साथ जाना, ये तो आपके सामने से कह रही है ना, ये अपना मायका चलाती है सर, अपने मायके का खर्च चलाती है, ये अपना कमाई करके, अभी आप जाना चाहती हो अपनी पति के साथ, तो आपने तो यही तो लिखा एप्लीकेशन में कि मैं ये सब ट्राई करता है, जाना चाहते थे 4-6 महीने में इंतजाम कर लेगा, सर इन्हीं को बोल दीजिए तो फिर हम बोले, सर ये बताइए हमने इनका चरित्र आपको दिखाया है पहली बार, इस पर जब मैंने ऑब्जेक्शन किया मैंने आपको दिखाया था, ये इनकी माँ है, ये हमारे ससुर जी, ये दूसरे और इन्होंने मतलब रुकी थी शादी कर रही थी, अभी भी एक प्रेजेंट टाइम में ये शादी कर रही थी, रिकॉर्डिंग सुनाइए सर, ये कहाँ गई, ये लड़की कहाँ चली गई, सर ये सब लड़कियों को ब्लैकमेल करके ये बुलाती है, और दूसरी शादी गोलू का छोड़, गोलू का भी छोड़ दिया है, रायबरेली में मुकदमा चल रहा है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, सब आप कौन है, आप क्या है, आप जेठानी, आपके पति कहाँ है, ये किसके साथ है आजकल, इधर किसी पति, किसने कटवा दी, सास ने कटवा दी, आपने ये जो बता रहे आपका वाला मकान कौन सा, ये तो कह रहे मेरे माँ बाप, हमारा मकान चौक में उसी को ये कब्जा किया है, किराया रहा है, ये मेरा ऊपर मेरा भाई यही ये कब्जा किए हैं, किराए पर देती हैं, बेचती हैं, कब्जा नहीं किया सास ने किया, कब्जा नहीं किया सर, और दूसरी बात सर, 5 साल से इसको गुजारा भत्ता नहीं, जिससे कहा जाए वो बोले, 5 साल से आप मत करो इसकी वकालत, आप रहने दो, जब आपसे पूछा जाता है उनका लड़का जिंदा भी है तो वो माँ अपने लड़के को देने की बजाय अपनी बहू को देगी, हमको निकाल अभी सोची, हम तो हम आपको अगर हमको तो समय का इनका डिस्प्यूट जो है जी सर, जहाँ इनका मकान है उस पे क्या स्थिति है, चलो ये देख के वहाँ पर देखे, ये किस थाना क्षेत्र में रखे हो जी सर, वो प्रॉपर्टी किस थाना क्षेत्र में आपकी, थाना कोतवाली, थाना कोतवाली में, चलिए ठीक है वो मान लिया, वो तो फोटो देख लिया, ये कह रही है कि मतलब हमने इसको बेदखल कर दिया, जब ये वाला बेटा कह रहे हैं कि 2009 पहले इनका सबसे पहले देखिए प्रॉपर्टी का मेन झगड़ा, ठीक है पहले तो ये देखिए कहीं कोर्ट में, अगर कोर्ट में चल रहा है कोई स्टे है क्या है क्या स्टेटस है वो देखिए, पहली कोर्ट में चल रहा है सबसे पहली बात, ठीक है कोर्ट में चल रहा है तो इनको सबको पता रहा है ये पार्टी उसमें है नहीं है, नहीं तो पक्षकार बन जाए, प्लेंटिव सर यही है,
प्लेंटिव नहीं है जानते हैं। कोर्ट्स में ये देखिए कि कोर्ट से जो है अगला क्या ऑर्डर है, ठीक है, उसमें जो है टाइटल वगैरह वो डिसाइड करेंगे। बहरहाल अगर कोई लग रहा है कि इसमें अगर कोर्ट में नहीं है तब इसको कुरकुर करने का उद्देश्य कर सकते हो सर। हम सेकंड वसीयत लागे प्रमाण दे दें फोटो स्टेट। देखिए यहाँ हमें ये नहीं तय करना कि प्रॉपर्टी किसकी है, अच्छा हमें ये तय नहीं करना, हम तो ये देख रहे हैं कि कब्जा किसका है। हाँ अभी कब्जा किसका है अभी का, सुनते रहिए बस बात जो कहा जा रहा, अभी कब्जा इनका है, ठीक है। अब इनको कब्जे से हटाना है तो कोर्ट से आपको आदेश लाना होगा कि इनको हटाया जाए, ये मेरी ज़मीन, वहाँ ये पेपर वगैरह आप अपने दिखाइएगा सर। सही हो गया, अगला जो आपने मुकदमा लिखाया था उसके अंदर ये चली गई है, चार्जशीट चली गई है, ठीक है, वो कोर्ट में देखेगा जो भी इनको पनिशमेंट मिले। रही बात इसके कि आप कहाँ नई जगह में, आप तभी जा सकते हैं या तो आपस में तय हो जाए तब जाएं और या फिर कोर्ट के आदेश पर जाएं। सर क्योंकि ये दो दो तीन तीन शादियां करवा रखी हैं उस पर और जितनी भी करा उसको चला गया ना 494 लग चुका है भाई गेमी का केस लग तो गया। तो उसके बाद भी तो सर एक शादी की तो उसे कितनी भी कर ले वो कराएगी, दूसरी वाली कराएगी, अगली वाली कराएगी, उसके ऊपर केस कराएगा। अब आपका खत्म हो गया, आपका तो हो गया 494 कर दिया आपने, दूसरा करेगा तो दूसरी बीवी कराएगी इसके ऊपर। ये लो ये हो गया कोतवाली का, तो इनका तो तलाकनामा अभी तो नहीं हुआ है, तलाकनामा वगैरह अब वो करे वो उसके लिए वो प्रोसिक्यूट करेगी जो करेगी। इसमें पुलिस के पास तो यही है, इन्होंने मुकदमा लिखाया 494 चार्जशीट चाहते हैं, तलाक हो जाएगा, रखना चाहते हैं कब बंद कर दिया? ये 6-7 महीने से बंद कर दिया। तो इसका मतलब हाँ तो जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, अभी उसे चेंज नहीं करेगा वो चाहे आपके जो जहाँ है वहाँ स्टेटस चेंज ना करे। कोई किसी का पानी बिजली काटता उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, बिजली काट दिए।